मॉर्निंग आप सभी को। देखिए एक अच्छी ठंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और ये मैत्री जलपानगिरी और कुछ यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा लगाया गया थोड़ा सा अलाव। सुनते हैं एक कविता एक मान्यवर की। हाँ बंधु नमस्कार, अब बताइए अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम शिवम है और यहाँ के पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट से मैंने अभी भी एमए पास किया है। और एक बड़ा प्रचलित डायलॉग है रांझणा मूवी का, अच्छा, जो अक्सर सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा। तो उस रांझणा में वो लड़का मर रहा है और मरते मरते ये बोल रहा है, और जब बीएचयू से बच्चे जाते हैं तो उनकी भी कुछ वैसी हालत होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ पीछे छूट रहा है जान टाइप का, मतलब एक मरने टाइप का। हाँ, स्थिति डेवलप हो जाती है कि अब क्या ही बचा है जीवन में बीएचयू के बाहर। तो उसी फेयरवेल के उपलक्ष्य में मैंने किसी एक जानने पहचानने वाले को सी लिख के दिया था, ये तुम पढ़ सकते हो। तो वो मैं चूंकि वो कहीं पढ़ा, उसने पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो वो रह गया था। पढ़िए पढ़िए जरा। ये रांझणा मूवी के डायलॉग का पैरोडी है। तो है कि बस इतनी ही कहानी थी मेरी बीएचयू में, बस इतनी ही कहानी थी मेरी बीएचयू में। एक डिग्री थी जो बगल में रखी थी, कुछ प्रोफेसर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद मैं अपनी रिसर्च तो वक्त पर दे दूंगा। कुछ दोस्त थे जो पागल थे, और एक लड़की थी जिसने अपना सीजीपीए बर्बाद कर लिया मेरे पीछे। वाह। मेरे चहीते लोग थे, मूर्ति में महामना थे, और ये एक हम थे जो छोड़ के जा रहे थे ये महामना की बटिया। ये मेरा सीना जिसमें अभी भी आँख बाकी थी बीएचयू में रहने की। हम फिर किसी डिपार्टमेंट में एमए का फॉर्म डाल सकते थे, पर किसके लिए। फिर पेपर लिख सकते थे, नए प्रोफेसर को मक्खन लगा सकते थे, पर किसके लिए। मेरा प्यारा बीएचयू, इसकी गलियां, वीटी, लाइब्रेरी, लड़कियां, सब मुझसे छूट रहा था। मेरे सीने की आग या तो मुझसे नौकरी करा सकती थी या दूसरा एमए। पर साला अब रुके कौन, कौन फिर से मेहनत करे, डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए, भोकाल जमाए। अबे कोई तो रोक दो, अबे कोई तो रोक लो, ये जो लड़की लाल सफ़ेद साड़ी में सबको अलविदा कह रही है, आज भी हाँ बोल दे तो महामना की कसम, डबल एमए, पीएचडी, नौकरी सब इसी बीएचयू की धरती पर कर लें। पर नहीं, अब साला मूड नहीं है, तैयारी पर ध्यान देने में ही सुख है, चले जाने में ही भलाई है। पर हम लौटेंगे, जब सरकारी नौकरी के अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, हम लौटेंगे इस सर्वविद्या की राजधानी में अपनी बौद्धिकता पेलने को, इन्हीं बीएचयू की सड़कों में फिर से घूमने को, किसी डिपार्टमेंट में पहले रिसर्च असिस्टेंट और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाने को। हम लौटेंगे। एक बात बताओ, जब आप लिख रहे थे तो ऐसे देखने में तो भी फिलोसफर हो तो, और तपिश ने, आग की तपिश ने आपको थोड़ा सा आंसू भी निकाल दिए। कैसा लगा, मतलब लिखने के बाद क्या फील किया आपने कि ये, मैं कुछ पर्पसफुली नहीं लिख रहा था, ये किसी सीनियर दोस्त को फेयरवेल में कुछ बोलना था, तो उन्होंने कहा था कुछ ऐसा लिख दो जो थोड़ा सा लाइटर टोन पर हो, इतना कुछ सीरियस ना हो, ताकि हम सुना सकें। तो मैंने ये उनको लिख के दिया था कि आप ये सुना सकते हैं, पर सुना नहीं सुना पाए, हम भी नहीं सुना पाए। खैर आपने अच्छा लिखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।